दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त यार, बढ़िया। मैं भी आज मैं भूल गई कि यार मैंने ब्लॉग भी बना रहा है, तो इसलिए मैं खाना खा खो के लेटी हूँ अभी। और लेटने के बाद मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत तो बनानी चाहिए वीडियो, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो खाना मैंने खा लिया है, खाने में मैंने आज खाए हैं मेरे फेवरेट, जो मुझे पसंद है और मुझे अच्छे लगते हैं, वो है आलू की सब्ज़ी, जो मैंने काफ़ी अच्छी बनाई थी। अच्छी बनी थी ना? यस yes, हाँ मैंने खाई नहीं थी। हाँ तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मोटापा आ गया है मुझ में बहुत ज़्यादा यार, मोटी हो गई गाल बाल, इतने मोटे मोटे हो गए, देखो भारी भरकम से हो गए हैं। ऐसा ब्लॉग वैसे बोलना चाहिए? अरे सब यार दोस्त है यार, क्या बुरा मानना, जिसने बुरा मानने गया अपनी भैंस चलाए, हमें क्या करना है, अपने पे तो बोल रहे हैं। हाँ हम अपने आप पे बोल रहे हैं यार, किसी दूसरे पर नाम थोड़े रख रहे हैं। हम नहीं फालतू की टेंशन लेते बेकार की है। मैंने कहा अपने लिए कहा कि हमें मोटे के नाम रखना तो रख दो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो जब हम पतले हुए तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम मोटे हो गए तो फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना हमारी एज से कोई फर्क पड़ना चाहिए किसी को भी, जो हमारी एज पूछते रहते हैं, और जो कि बहुत गलत बात है। हैं पूछनी चाहिए एज वगैरह, एज से क्या करना है, एज एज। हाँ लोग इतना एज पूछेंगे यार, क्या है यार, क्या होता है। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं मुझे यूँ बता के मैं मस्त हूँ, और ज़बरदस्त भगवान ने सकल सूरत बना रखी है, और ज़बरदस्त मैं हूँ, ठीक है। और मैं इतना इतनी मतलब बड़ी उम्र की भी नहीं कि जितना लोग को हाय हाय करते घूमते रहते हैं, हाय ये हाय वो, तो वो चीज़ गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने जीवन में मस्त रहो, और मैं तो मस्त रहती हूँ और मस्ती रहना पसंद करूँगी, क्योंकि तो यार जब तक जीवन है ना मस्त रहो, और अपने ना गर्दन की मसाज करो, गर्दन की मसाज करो, पार्लर मत जाओ, और ज़्यादा मेकअप मत करो, नेचुरल रहो। ये देखो बिल्कुल बिना मेकअप के हैं, जिस दिन मेकअप में आएंगे उस दिन तो आप पहचानोगे नहीं मुझे, कि यह ज्ञान भी है यार, ये ज्ञान ही है ऐसे बोलोगे। अब ये देखो नेचुरल है, देखो पसीना पोंछ के आई, क्योंकि खाना बनाया था पसीना आ गया था, तो उसको पोंछ के अभी आई हूँ, और ये देखो ठीक है। और ज़्यादा मेकअप ना करो, उम्र के साथ शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी, तो उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने खाने पीने पर ध्यान देना। आप लोगों ने खाना अच्छा अच्छा खाना है, और फिट रहना है, और किसी को देख के जलना नहीं है, कुछ लोग जलते हैं। और अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, और अच्छी बातें आप एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे की अच्छी सलाह लो, तो वो तो होता है जीवन। किसी की बुराई मत करो, कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग बुरा मानते भी हैं, तो बुराई तो नहीं किसी की करनी चाहिए, लेकिन किसी का कोई बुराई आप ही करता है ना, तो छोड़ो उसको। और मेरे को मेरे बालों की बड़ी तारीफ मिलती है यार, मुझे तो नहीं लगता मेरे खुले बाल मुझ पर अच्छे लगते हैं ना, मतलब अच्छे लगते हैं खुले बाल में, अच्छा हो सबको अच्छे लगते, तो मैं ना अपने खुले बाल रखा करूँगी, ठीक है। और मेहंदी नहीं लगाया करेंगे अब, अब यार मैं अपने बालों को ज़्यादा ना कलर नहीं लगा सकती अपने बालों को, सच्ची बता रही हूँ मैं, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो इसमें झूठ क्या बोलना है, आजकल छोटे हर किसी के हो जाते हैं बाल, ग्रे बाल हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं, जरूरी नहीं कि उम्र के साथ से, उम्र के साथ नहीं होते दोस्त, ये होते हैं जब तुम आते ना तब होते दोस्त, ये ऐसे बाल। फिर ये कहते हो कि यार मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरा चेहरा कैसा होगा, खाओगे पियोगे नहीं, और योगा वगैरह नहीं करोगे, जिम वगैरह नहीं करोगे, और जो जिम करते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जो मतलब अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है लोगों की, जिम भी करो योगा भी करो, लेकिन करना चाहिए, आलस में बैठे रहोगे तो आपको अपनी उम्र नज़र आएगी, और जो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, जीवन एक मिला है, इसमें मस्त रहो और खुशियों से अपनी झोली भर, ठीक है। मैसेज यही है, और काफ़ी अच्छा मैसेज दे दिया लेटे लेटे, जबकि ये बहुत गलत है, लेट के नहीं बातें करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग समझ सकते हो कि रात है, रात के समय बंदा लेटेगा सारे दिन यार बैठे बैठे। और गाना मेरा फेवरेट गाना कल मैंने गाया था, आप लोगों ने देखा नहीं तो, गाना था मेरा नाम
की मेरी फैशन ना ही पर ज़्यादा वो तो गाना मैं सारा दिन गुनगुनाती हूँ क्योंकि तो मैंने कल रात को गाया था, मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मतलब अच्छी फिल्म है, गाने तो उसका वो बहुत ही अच्छे हैं, तो जो मैंने गुनगुनाया था या जो मैंने कल गाया भी था वो तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो और कमी बता देना, कभी फिर ऑनलाइन आऊँगा, जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं अच्छे से तो कमी फिर बता देना मुझ में, ठीक है? मुझे नहीं लगती मुझ में क्या कमी है, लेकिन आप लोग बता देना मुझ में क्या कमी है, ठीक है? तो और टी शर्ट जीन्स कैसी लग रही है? आप लोग तारीफ तो कहाँ करते हो, तारीफ तो करोगे नहीं, तो इसलिए तो अरे टाइम चेंज करना ज़रूरी है, और मैं बार बार अपने फेस पर हाथ इसलिए लगाती हूँ कि मेरे यहाँ पे ना बहुत जल्दी फुंसियाँ हो जाती हैं, और थोड़ा सा गला यहाँ से थोड़ा सा मेरा रहता है दर्द, और यार बारिश ने हद कर रखी है आज, तो कुछ दिखाई दे रहा है? बारिश ने हद कर रखी है यार, मिनट मिनट में बारिश आ जाती है, इतनी बारिश नहीं आनी चाहिए यार, क्योंकि कपड़े देखो दिखेंगे तो दिखाऊंगे, और ये तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दिखे होंगे ना, कोई बात नहीं चश्मा लगा के देख लेना, चमक पाओ तेरे ही नजर पे मेरी नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे ला 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 ला। हाँ जी क्या कर रहे हो? आप लोगों ने आदत छुड़वा दी मेरी जूड़ा बनाने की, यार मेरे को ना जूड़ा बहुत अच्छा लगता है, हाई जूड़ा बनने काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग बहुत खुले बाल रखो, खुले बाल रखो, और ना मेरा टूट गया ही देखो पूरा नहीं टूट गया देखो, तो ये आप करेंगे कपड़े हम चेंज, व्लॉग बनाना था मैंने इस कपड़ों में क्योंकि मैंने बनाया नहीं था, मैं तो दोबारा कल कहाँ पहनेंगे, बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूख रहे यार, यहाँ पे भी पड़े हैं, और मैं देखो किचन मैंने कितने कपड़े हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये किचन में भी इतने कपड़े मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि किचन हमारी इस्तेमाली होती है, तो इसलिए किचन हमने शोरूम बना रखा है और कुछ भी कह लें, और इधर भी डाले हुए हैं, और बस यहाँ थोड़ा सा मैंने अपना सामान रखा हुआ जो भी मैं फिर जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये देखो कैसे गिरा हुआ है, गिरा हुआ ना, आलसी होना बहुत ज़्यादा तो वो नहीं हो पा रहा मुझसे, तो ये चीज़ें मैंने ऐसे फेंक दी थी, तो बस ऐसे ही यार आलसी हैं, सारा दिन लग जाता है काम करने में, और ये मेरे झुमके, ठीक है ये झुमके हैं, अच्छे लग रहे तो ले लो किसी को भी, ये मैंने दो दिन पहले पहना था, ये मेरा ये दो दिन पहले मैंने पहना था, और इसका जुगाड़ मैंने किया था, पता आपको, आप दोस्त हो तो मैं बता देती हूँ, इसका मैंने जुगाड़ किया था यार इससे, ये देखो मतलब दिमाग होना चाहिए आइडिया लगाने का कि आपने कैसे जुगाड़ करके ही पहना था, और ये झुमका इसका एक गुम हो चुका है जो मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है लेकिन ये नहीं मिल रहा मेरा झुमका, कहाँ गया मेरा झुमका, ये मेरा झुमका है, आज मैंने कोई झुमका नहीं पहना, कुछ नहीं पहना, आज थोड़ा आलसी हो गई थी तो इसलिए आज मैंने कपड़े भी कोई अच्छे नहीं पहने, ऐसे ही पहन लिए थे टी शर्ट वगैरह, और ज़्यादा नहीं पहने थे मतलब
ऐसा इतना वो नहीं किया था, मैंने सोचा लाइव जाते हैं तो पता नहीं कोई आते उठते तो है नहीं, क्या ज़रूरत है लाइव जाने की। और फिर लाइव जाए भी तो हम लोग कौन सा, हम कोई हीरोइन थोड़ी है जो हम ऐसे ऐसे कपड़े पहन के उनके बैठे यार, नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे अपने यार दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। हाँ कहीं बाहर जाते हैं पार्टी वगैरह में तो चेंज करना होता है, तो इसलिए। और सुंदरता सिंपल रहने में है, ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बक 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 करने लग रही, ठीक है ना, इससे आपको पता चलेगा ये तो बिना लाइट के भी ऐसे रहती है क्या, बावली सी बन के। आप लोगों को मेरा गाना गाना कैसा लगता है, मेरा डांस कैसा लगता है, किसी ने तो मेरे डांस की बहुत बुराई की है, और देखती हूँ उस बंदे को कितना अच्छा डांस आता है जो कि बहुत अच्छा अपने आप को समझ रहा है, डांस आता भी है नहीं आता यार, नाम तो हर कोई रखता है, डांस किसी किसी को आता पता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है डांस करने के लिए, और कैमरे के सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। दोस्त जो तुमने नाम ऐसे रख दिया ना, हाँ कुछ आता नहीं है डांस वांस तो कुछ आता नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं, कहता ठुमका लगा लेते हैं, वो तो आता ही है हमें ठुमका मारना, ठुमका तो हमें आता ही है, तो इसलिए बाय। दोस्तों आज मुझे ध्यान नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं थोड़ा सा व्लॉग बनाया, ऐसे मस्ती भरा ही बना दिया है, तो मतलब जितना मेरे में था इतना दम था उतना मैंने बना दिया है, लेकिन कोई बात नहीं कल बना लेंगे अच्छा से व्लॉग बना लेंगे। अरे वो है ना कहीं बाहर जाना होता है नहीं यार, काम अपने घर का होता है, वो घर का काम ही कर लेते हैं, उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आपको भी अच्छा लगता है कि हमारी हीरोइन कैसे रहती है, तो इसलिए तो आज आपसे ले लेते विदा, मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छा सा लेके आएंगे, सुंदर सा, कोशिश होती है सुंदर सा लेके आए, नहीं तो हम सुंदर सा तो बनाते हैं व्लॉग लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, जितना हमारे में मतलब दिखाते हैं उतना ही ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं कल, और कल मिलेंगे, और वीडियो ऐसे देखते रहें।